आधुनिक भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। पिछले 9 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी के पावर हाउस के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। यही वजह है कि आज वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में हमारा देश विश्व के शीर्ष 5 देशों में से एक है। बीते 9 सालों में सरकार ने देश को टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में पेश करने के लिए साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसी का नतीजा है कि 2014 से पहले लगभग 350 स्टार्टअप के मुकाबले आज स्टार्टअप की संख्या लगभग 99,000 हो गई है। 115 यूनिकॉर्न के साथ आज भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर जैसी सरकारी योजनाओं के चलते भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिला है। स्कूली बच्चों में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, अटल इक्यूबेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और इंस्पायर फेलोशिप जैसी योजनाएं बनाई गई हैं। भारत आजादी के अमृतकाल में तकनीक और विज्ञान को हथियार बनाकर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व का मुख्य प्रौद्योगिकी केंद्र बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है।